वेलकम व्यूअर्स, और बात करने वाला हूँ मैं एक पेनी स्टॉक के बारे में दोस्तों, जो कर सकता है आने वाले टाइम में बड़ा धमाल। अभी मात्र दोस्तों 3 रुपये की रेंज में मिल सकता है और 300 तक भी जाने की संभावना है उसके अंदर। क्यों है, क्या रीज़न है, क्या खबर है उसके पीछे, सारा विश्लेषण मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि क्या बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है, डेप्थ फ्री है कंपनी, जो बिजनेस है दोस्तों ऑन गोइंग वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, क्या चल रहा है पर्टिकुलर। इसके लिए दोस्तों बस सिर्फ आप पूरा वीडियो देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं रोज़ पेनी शेयर पे वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैंने एक वीडियो पहले भी दिया था दोस्तों, 70 पैसे से कम का पेनी शेयर जो कर सकता है धमाल वाला, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो तो ये मेरा अभी भी उसमें पड़ा हुआ है चैनल के अंदर, देख सकते हो। और ये दोस्तों 70 पैसे से, यहाँ पर मैंने बताया था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 10 रुपये के लगभग टच करके अब इसके अंदर जो है रिट्रेसमेंट दिख रहा है। बट 70 पैसे से दोस्तों अगर 10 रुपये का स्टॉक हो जाए तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कितने परसेंट रिटर्न मिले एक साल से कम समय के अंदर, और अभी भी संभावना उसके अंदर बरकरार है। तो जेन्युइन चीज़ें, जेन्युइन एनालिसिस मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं, आप लोग बस पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, इसमें ना कोई बाय सेल होल्ड के कोई रिकमेंडेशन है, इसके अंदर मैं सिर्फ अपना एनालिसिस, अपना व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत छोटी कंपनी है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो सिर्फ 2 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप है, बट अगर बुक वैल्यू देखते हो, यहाँ पर बुक वैल्यू यहाँ पर दिख रही है 341, तो बहुत, और अभी करंट प्राइस है 3 रुपये 16 पैसे, तो बुक वैल्यू से दोस्तों बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर दिख रही है 75%, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूँ, देखो पेनी शेयर है तो पेनी शेयर का ऐसे अंदर ये नहीं करना चाहिए कि अपनी सारी कैपिटल उसके अंदर इन्वेस्ट कर दी जाए और जुआ खेल लिया जाए, नहीं दोस्तों। पेनी शेयर ऐसे होते हैं कि अगर आप 10 के 12 के अंदर ट्राई करोगे तब कोई एक चलता है, तो ये थॉट से आप पेनी शेयर के अंदर एंट्री करिएगा। बहुत लिमिटेड रिस्क लेके करना वो बेस्ट रहता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारे पेनी शेयर मल्टी बैगर ही होते हैं, 10 में से 1 चलता है, 20 में से 2 चलते हैं, ये एवरेज होता है दोस्तों मोटा मोटा। कंपनी दोस्तों देखो यहाँ पर प्रोज एंड कॉन भी दिखा रहा हूँ, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, जो अभी इसका जो बुक वैल्यू से कंपैरिजन है दोस्तों 0.01, तो आप समझ सकते हो कितना सस्ता मिल रहा है एज पर द बुक वैल्यू। बट यहाँ पर जो कॉन्स हैं इसके, कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है, टैक्स थोड़ा लो है और अदर इनकम भी है, तो ये कोई बड़ा वो कॉन्स नहीं दिखता है इसके अंदर। ये सारी दोस्तों इसकी पीयर कंपनी है, तो आप लोग देख सकते हो कि किस फील्ड में काम करती है कंपनी, ज़बरदस्त काम है दोस्तों। और जो भी इससे पीयर कंपनी है उनके स्टॉक का प्राइस देख लीजिए और इस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस देख लीजिए, मैं मान सकता हूँ मार्केट कैप बिल्कुल बहुत लो है इनके मुकाबले, बट कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अच्छा खासा रिटर्न ऐसे ही स्टॉक दे पाते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो दिसंबर 2019 से दिसंबर 2021 तक का यहाँ पर डेटा है, आप लोग देख सकते हो, और ईच एंड एवरी क्वार्टर के अंदर दोस्तों इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है, तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट जनरेट करने वाली कंपनी है, 3 रुपये का शेयर है। बात करें दोस्तों देखो 2 करोड़ की मार्केट कैप जरूर दिखी है, बट इस कंपनी का रिजर्व देखिए 238 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, साथ साथ दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट है इनकी 221 करोड़ की है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी मजबूत फाइनेंशियल बैकग्राउंड कह सकते हो या स्थिति है एट प्रेजेंट। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है जो दोस्तों छोटे शेयर की प्रमोटर होल्डिंग, तो आप देख सकते हो 70% से ऊपर की प्रमोटर होल्डिंग है पर्टिकुलर इस कंपनी के अंदर। आप बोल रहे होंगे कंपनी का नाम क्या है, तो दोस्तों नाम आप लोग के सामने है, हिंदुस्तान उद्योग ये नाम है दोस्तों। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है एलोए और स्टेनलेस स्टील का काम है दोस्तों, तो जो कि आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वर्क है, और इंडिया के अंदर आपको पता ही है इंफ्रास्ट्रक्चर का
जो काम काज है बहुत तेज़ी से चल रहा है और चांसेस हाई है कि आगे भी और तेज़ी से चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, सीमेंट, ये सब की स्टोरेज वगैरह, ये सब भी काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं लंबा टाइम का अगर थॉट है तो उस हिसाब से बिजनेस चांसेज हाई है कि ग्रो कर सकता है यहाँ से। बाकी आप लोग फर्दर इसकी जो वेबसाइट है उसके अंदर इसकी डिटेल पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों खबर भी देख लेते हैं। देखिए कंपनी का नाम है, 16 मार्च का पत्राचार है। इसके अंदर कुछ मैटर चल रहा था NCLT के अंदर, जो कि दिखने में आ रहा है कि उनकी तरफ से ऑर्डर मिल गया है और जो स्कीम थी अमलेशम की उसको भी गो हेड मिल गया है। इन्होंने दोस्तों 17 को भी पत्राचार किया है NSCBSC के साथ, वहाँ पर भी इन्होंने बताया कि ऑर्डर की कॉपी वगैरह मिल गई है। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मैं कहूँगा ये सारे नोटिफिकेशन एक बार ढंग से पढ़ लेना दोस्तों। अभी लेटेस्ट वाला भी बताने वाला हूँ। और दोस्तों लेटेस्ट जो 26 मार्च का पत्राचार है उसके अंदर साफ साफ यहाँ पर देख लिया, पढ़ लेना कि जो इनकी जो स्कीम थी वो अप्रूव भी हो गई है और 31 मार्च को इनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है, उसके अंदर ये स्टॉक इशू करने वाले हैं। जो एलिजिबल शेयर होल्डर हैं सारी कंपनियों के नाम भी लिखे हुए हैं। फाइनेंशियल दोस्तों मैंने आपको बताया दिए, हेल्थी फाइनेंशियल हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों ये BSE में लिस्टेड है और ये यहाँ पे मैंने इसका जो स्क्रीनशॉट भी दिखाया है कि रेडी रेफरेंस के लिए आप लोग चेक कर सकते हो। सो दोस्तों ये था ओवरऑल कह सकते हो एक समरी। और 31 मार्च की इनकी बोर्ड मीटिंग है तो उसमें क्या निकल के आता है वो सब भी मैटर है दोस्तों। बट ओवरऑल दृष्टि से देखा जाए तो अगर इसके अंदर तेज़ी आई दोस्तों, जो बुक वैल्यू है इसकी, सो यहाँ से पैसे डबल तो ये कर ही सकता है अगर ये चला तो यहाँ से। तो सोच समझ के पूरा अपना दिमाग लगा के अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ, अपना एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। मैंने पहले भी बताया है, एक मैंने पहले भी एनालिसिस दिया था, 70 पैसे से कम था दोस्तों, 10 पैसे भी 10 रुपये भी चले गया था। सो ऐसे ही और अच्छे खासे वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हो आप लोग तो ये चैनल आपको बहुत हेल्प करने वाला है। लाइव मार्केट के टेक्निकल सिग्नल इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।